हाय, वेलकम टू चैनल सिंघम स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सबको टेंस का पैसिव वाइज कैसे करते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जो एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी वन डे एग्जाम्स में अगर एक्टिव और पैसिव वाइज पूछते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग टेंस की पैसिव वाइज कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 टेंस की पैसिव वाइज होती है और उसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा जिससे कि आप टेंस की पैसिव वाइज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, पैसिव वाइज ऑफ टेंस, इधर हम ये एक्टिव वाइज है और आपको शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा एक्टिव वाइज, और ये हो गया पैसिव वाइज, एक्टिव और पैसिव वाइज। देखिए, अगर एक्टिव वाइज में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो और या फिर मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म दिया हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म हो, तो उसको पैसिव वाइज में चेंज करते समय आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस फॉर्म, ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ही रीड्स अ बुक, छोटा सा सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही रीड्स अ बुक। जब हम इसकी पैसिव वाइज करेंगे तो ये अ बुक इधर आ गया, अ बुक। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब कौन है, एस और ईएस फॉर्म, तो इसके लिए इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो अ बुक है तो यहाँ पर हो गया इज, रीड का अब क्या करना है थर्ड फॉर्म रेड, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा बाई, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए ये रीड्स है, इसको किसमें बदल दिया, इज रेड में। ऐसे इस प्रकार से करते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं मैं। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यदि सेंटेंस में डू या डज आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, डू या डज आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो भी हमारा यही रूल फॉलो होगा, तो भी हमारा यही रूल फॉलो होगा। जैसे देखिए, यू डू नॉट ओपन द डोर, तुम दरवाजा ओपन नहीं करते। अब इसको जब हम पैसे वाइज में चेंज करेंगे तो द डोर इधर आ गया, द डोर। अब ये देखिए डू आ गया, अब इसके लिए भी इजी हमारा, यहाँ पर डोर हमारा सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, इज नॉट। ओपन को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ओपन बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट इधर यू हो गया, ये ऐसे। तो डू नॉट को हमने किस में चेंज किया, इज नॉट में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए, ये तो था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, शॉर्ट तरीका आपको दे रहा हूं। अब देखिए, ये तो नंबर वन हो गया। नंबर टू देखिए, अगर यहां पर इज, एम, आर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, इज, एम, आर हो या फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक चीज और यहां पर शॉर्ट तरीका आपको दे दूं, चलिए अच्छा इसी को, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तब क्या करें, तब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वाइज में भी हेल्पिंग वर्ब यही रहती है, इज, एम, आर। अब ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहती है। तो इस कारण यहाँ पर हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कर दिया पैसिव बनाने के लिए। अब आईएनजी कहाँ जाएगा, आईएनजी भी तो होना चाहिए ना, एक्टिव वॉइस अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होनी चाहिए, इसलिए हम आईएनजी को हटाते नहीं हैं, उसके फॉर्म को लिखना पड़ता है। अब आईएनजी कहाँ जाए, उसके लिए तो हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जहाँ आईएनजी जुड़ा था, अब आईएनजी खाली हो गया है, अब उसको जोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी कारण हम उसके लिए बी वर्ब का यूज करते हैं, बी वर्ब भी मेन वर्ब की ही तरह होता है, इसका यूज करते हैं और इस पर हम आई एन जी जोड़ देते हैं। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएंगे बी आई एन जी। ये अब तीसरा देखिए, तीसरा
तीसरा अगर है जो है आ गया और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव वाले में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव ही रहती है। अब ये तो परफेक्ट टेंस का है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस भी नहीं बदलना चाहिए, टेंस वही रहता है। तो परफेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बी को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, बीन, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया परफेक्ट, और ये जो मेन वर्ब हो गई वो हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव। तो ये परफेक्ट की पैसिव है, ये बीन बी की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो गया, क्योंकि हैज बीन हैव बीन परफेक्ट हो गई, और ये थर्ड फॉर्म पैसिव का रूल है, तो वो पैसिव का रूल बन जाता है। चलिए चौथा, चौथा देखते हैं, अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो और या फिर डिड प्लस, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अर्थात उसमें डिड भी हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं वाज और वर में, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो भी वाज वर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर डिड हो तो भी वाज वर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पांचवा देखिए, पांचवा अगर वाज वर हो इधर एक्टिव वॉइस में और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उसको कैसे बदलेंगे, तो वाज वर अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसको भी हम वाज वर ही लिखेंगे, और ये आईएनजी फॉर्म है बिल्कुल इसकी तरह कर लेंगे, ये जो यहां पर दिया है प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रहे आईएनजी फॉर्म कभी हटती नहीं है, क्योंकि टेंस अगर कंटिन्यूअस है तो हमारा पैसिव वाइज भी कंटिन्यूअस में ही होना चाहिए, तो जो जैसा टेंस होता है उसकी पैसिव वाइज भी उसी टेंस में होती है, टेंस नहीं बदलता, रूप बदलते हैं, लिखने का तरीका नियम बदल जाता है, लेकिन टेंस वही रहता है। अब एक और ले लीजिए, यहां से लेते हैं हैड, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिल्कुल यहीं से बना लीजिए, हैड प्लस ये परफेक्ट टेंस है तो बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ऐसे करते हैं, आप फ्यूचर में ले लें, फ्यूचर में विल शैल, विल शैल के बाद, विल और शैल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो विल शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहे तो इसके लिए, अब यहां देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी विल शैल, और प्लस अब यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो हम बी को लिख लिए फर्स्ट फॉर्म के रूप में, अब इसको थर्ड फॉर्म कर देना है पैसिव के लिए, ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो जब भी विल शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूल ही है विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वाइज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए, तो विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और यह हो गई पैसिव वाइज थर्ड फॉर्म के रूप में। तो आगे देखिए सबसे लास्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब विल शैल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब वही रहती है हमारी विल शैल, और यहाँ पे हैव भी रहता है। अब ये देखिए यहाँ हैव के बाद आपने बीन लगाया तो यहाँ भी बीन लगा दीजिए, बीन और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका। कुल मिला के आपको आईएनजी फॉर्म दिया रहे तो आपको बीइंग का यूज करना है, बीइंग आईएनजी में बदल देना है, यहाँ पर भी देखिए आईएनजी फॉर्म है तो इसको भी हमने बीइंग आईएनजी फॉर्म में बदला, और अगर थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखा है तो इसको हमने बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, यहाँ भी देखिए करके, तो इसको हमने बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर रखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस इन नियमों के आधार पर करते हैं, तो ये हमारे नियम्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं जिनसे हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ये रूल आपको याद रखना होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओडीएस फॉर्म ईजीएमआर, इस तरह से जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, तो अगर ये रूल आपको याद रहेगा तभी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू कन्वर्ट इन टू पैसिव वॉइस, इसको याद रखिएगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, देख लीजिए, चलिए इसमें हम लोग और भी एक चीज देखते हैं, मिटा दें इसको, कि जब हम इसको शॉर्ट तरीके में लेते हैं तो किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं।
दो चीज़ याद रखिएगा, आप कभी पैसे वाइज गलत नहीं करेंगे। एक ये कि अगर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसको आपको बीइंग में बदल देना है, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर दिया हो तो आप उसको बदलना है बीन प्लस, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम है, शॉर्ट ट्रिक, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आईएनजी फॉर्म हो तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखा हो एक्टिव वॉइस में अर्थात परफेक्ट टेंस में, तो बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द बेसिक रूल हाउ टू कन्वर्ट इन टू पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज में मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट, ये इस प्रकार से आते हैं, इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। और इन सब के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है। अब इसकी जब हम पैसिव वाइज चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से कोई भी एक दिया हो, मस्ट दिया हो, शुड दिया हो, वुड दिया हो, ऑट दिया हो, तो इसके बाद, यह ऑट के लिए स्पेशल रूल है इसका मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, वुड के बाद क्या आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको यहाँ पे लगाना है बी प्लस मेन वर्ब की, इसको थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए इस प्रकार से। आइए एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं किस प्रकार से। आज मैं आप सबको केवल रूल्स बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव वाइज बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए, अगर कैन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो उसको कैन बी में बदल दीजिए, कैन बी, तब जाके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ कुड दिया है, वही चीज रहे, कैन कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, मस्ट, ऑट, और ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हो तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो कुड है तो कुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मे है तो मे, ये सब, माइट दिया है तो इस तरीके से, शुड दिया है तो इसी तरीके से, शुड बी, यहाँ पर ये जो चीज़ें दी है सब लिखना होगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना होइए। बी यहाँ पर वुड दिया है तो वुड बी, वुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मस्ट दिया है तो मस्ट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ऑट दिया है, ऑट, ऑट टू यहाँ पर अगर दिया होता है, देखिए ऑट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे ऑट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव बोले तो टू प्लस बी, टू प्लस वी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज होती है, इसी कारण यहाँ पर टू लिखा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी, आप बी टू के बाद में बी लगाइए और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिक रूल्स हैं आपके, कुछ करना नहीं इसमें, इसमें केवल बी लगा देना है हर जगह और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये था बेसिक रूल आपका कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं और एक आध सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं और आपको फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ये रहा एक्टिव वॉइस, जैसे देखिए, यू, यू हैव स्टोलन, यू हैव स्टोलन माई वॉच,
यू हैव स्टोलन माई वॉच, यहाँ पे हो गया यू हैव स्टोलन माई वॉच। इसको जब हम पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ये है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा माई वॉच, यहाँ लेके आइए माई वॉच। जब भी हैज हैव ऑलरेडी दिया रहता है तो हेल्पिंग वर्ब वही होती है हैज और हैव। यहाँ घड़ी कितनी है, एक, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज, माई वॉच हैज। थर्ड फॉर्म दिया रहता है तो क्या जोड़ते हैं, बीन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है स्टोलन, यू को इधर किया बाय यू हो गया बाय यू। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर एस्टरडे, ये यहाँ पे दे रखा है सी रोट अ लेटर एस्टरडे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अ लेटर, इसको उठाया यहाँ लिखा अ लेटर। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं, वाज या वर का यूज किया जाता है ये अ लेटर वाज। अब रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन, अ लेटर वाज रिटेन बाई सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हर एस्टरडे। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब और एक लीजिए, इफ एक्टिव वॉइस और जैसे माय पेरेंट्स आर, माय पेरेंट्स आर आर रीडिंग न्यूज़पेपर को उठाकर यहाँ लाइए, द लगा दीजिए, द न्यूज़पेपर। अब ये आर है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर एक वचन है तो इज लगाइए, द न्यूज़पेपर इज। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसके लिए बी में आई एन जी जोड़ दीजिए, बी रीड का थर्ड फॉर्म किया रेड, और इसको उठा करके इधर ला के चले आइए बाय माई पेरेंट्स। इस प्रकार से इसकी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। आइए एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से और हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे लिखा है कि वी कैन डू इट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, इट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इट है तो इट को यहाँ पे किया, इट कैन आया तो कैन को कैन ही लिखा, कैन के बाद में मॉडल ऑब्जेक्ट बी लगाया और डू का थर्ड फॉर्म डन, इट कैन बी डन, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बाई अस, इट कैन बी डन बाई अस। एक और लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस, सी मे पास द एग्जाम, पास द एग्जाम, ये यहाँ पे सेंटेंस हो गया सी मे पास द एग्जाम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, एग्जाम, इसको लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा द एग्जाम मे को मे ही रखेंगे, बी लगा देंगे, मे बी पास्ट, सी को इधर किया पास्ट बाई हर, ऐसे होता है। एक और सेंटेंस लीजिए, they ought to obey their teachers। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, वो भी हमारा इन्फिनिटिव है यानी मेन वर्ब हमारा यही है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा यहाँ पर आकर के कि their teachers ought को ought ही रखेंगे, ought हमने बताया था कि ought के बाद में टू आता है, इसके बाद में बी लगाएंगे यानी कि ought to be, obey को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे obeyed by, अब दे का उधर हो जाएगा them। तो माय डियर्स इस प्रकार से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। तो आज मैंने आप सबको टेंस और मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स थे वो मैंने आपको बताए एग्जांपल से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।